हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये पिडिलेंथस का एक पॉट है और ये थोड़े मार्च, फरवरी मार्च तक की है। थोड़ी लीव्स इसकी पिंक सी रहती हैं, फिर जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी वैसे वैसे इसकी लीव्स और ग्रीन होती चली जाएंगी। और आज हम लोग इसका देखेंगे कि कैसे इसको पानी में हम लोग प्रोपोगेट करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी कटिंग लेके आई हूँ मैं और खाली इसको पानी में डिप कर दिया है। और ग्लास सिंपल पानी है, एकदम कुछ भी नहीं है उसमें। और ये कांच की बॉटल ली है ताकि मेरे को नज़र आता रहे। और पानी मैं अब चेंज करती रहूँगी हर हफ्ते। तो अब देखते हैं कि ये वाला प्लांट हम लोग अगर इसमें पानी में लगाते हैं तो इसको भी हम लोग इंडोर रख सकते हैं। इसको भी बहुत ब्यूटीफुली इंडोर, अगर आपके घर ब्राइट लाइट आती है विंडो के पास तब भी आप इसको अंदर भी रख सकते हैं। मगर ये ख्याल रहे कि इसकी इसको लाइट चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए, और फिर उसके बाद में ये ग्रो करते हैं। और ये पिडिलेंथस का प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है अंदर रखा हुआ। यकीन मानिए, आप लगा के देखिए इसको, ये बहुत ही प्रिटी पेरिनियल प्लांट है। सबसे अच्छी चीज़ है इसकी, ये सारे साल आपके साथ रहेगा और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है इंडोर्स। इसको डेविल्स बैकबोन इसलिए कहते हैं, जिगजैग प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी देखिए ये जो स्टेम होती है ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। और इसकी एक क्वालिटी होती है कि ये नीचे की लीव्स शेड करता जाता है, तो ये जो जहाँ से ये पेट्योल निकलता है यहाँ एक स्कार से बनते जाते हैं। और ये बहुत ही प्रिटी लगता है, वेरीगेटेड होता है। और विंटर्स में इसकी लीव्स थोड़ी सी हल्की सी पिंकिश कलर की हो जाती हैं। और जब समर्स आते हैं, बाहरों के दिन थोड़ी वार्मथ आती है, तब ये एकदम ग्रीन कलर के होने लग जाते हैं। ये इंडोर भी प्लांट है, बहुत अच्छा लगता है इंडोर देखने में। और ये हल्का सा सक्यूलेंट टाइप का प्लांट है। इसकी काटते हैं अगर स्टेम हम लोग तो इसमें से सैप निकलता है। तो देखिए हम लोग ने ये इसको क्या किया है, इस बार हम लोग ने कोशिश की है कि इसको पानी में प्रोपोगेट करेंगे। ये राइट टाइम है इस प्लांट का, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग सीजन है, तो ये बहुत इजीली इस टाइम प्रोपोगेट हो जाता है। ये मेरा जो प्लांट मैंने लगाया हुआ है पानी में, इसको करीब हो गए हैं 4 हफ्ते और इसकी देखिए रूट्स की ग्रोथ अच्छी हो गई है। हम लोग इसकी रूटिंग प्लांट की, पिडिलेंथस की, डायरेक्टली मिट्टी में भी कर सकते हैं, थोड़ा कैलस बना के। कैलस मतलब इसमें से एक सैप निकलता है जब काटते हैं, तो उसको थोड़ा ड्राई आउट करके एक दिन शेड में रख के फिर इसको लगा सकते हैं। इसमें भी हो जाएगा, मगर वाटर प्रोपोगेशन मेरे को लगता है कुछ प्लांट्स के लिए बहुत इजी होता है, उनमें से एक ये प्लांट है। तो देखिए जब हम लोग पानी में इसकी रूटिंग करते हैं तो कुछ चीज़ें हमको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहली चीज़ कि हम लोग इस कौन सा प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं। कई प्लांट होते हैं जो ईजीली लग जाते हैं सॉइल में, तो उनको इतना प्रोपोगेट करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ प्लांट होते हैं जो बहुत इजीली वाटर में प्रोपोगेट हो जाते हैं, और अगर आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि कैसे पानी में प्रोपोगेट करके मिट्टी में करना है, तो इसकी रूटिंग बहुत फास्ट होती है पानी में, और आपको दिखती रहती है और ईजी भी होती है अगर मौसम ठीक हो तो। जैसे बाहरों के दिनों में बहुत ईजिली इसकी रूटिंग हो जाती है, और बारिशों में तो मिट्टी में भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये पानी में प्रोपोगेट आप ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है, एक चैलेंज हो जाता है। और आपको जब रूट ग्रोथ दिखती है पानी में तो ये बहुत ही अच्छी फील आती है एक। तो सबसे पहले चीज़ आपने क्या सेलेक्ट किया, उसके बाद हम लोग को जो ये कई प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम काटते हैं वो थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, एकदम टेंडर, एकदम पतली लेंगे यहाँ ऊपर से तो वो रूटिंग थोड़ी मुश्किल होती है। अब नेक्स्ट है कि हम लोग कोशिश करें कि जब हम लोग पानी में रूट करें तो ग्लास का जार लें, ग्लास लें या ट्रांसपेरेंट कोई चीज़ लें, अवॉइड करें प्लास्टिक। कई बार प्लास्टिक गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है, और कांच अच्छा रहता है। और से अगला पॉइंट है कि इसमें आप पानी चेंज करते रहें वीकली, और अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी है तो इसको थर्ड फोर्थ डे भी चेंज कर सकते हैं। पानी उससे फ्रेश रहेगा, इसमें ऑक्सीजन पूरा रहेगा पानी में, और आपके और कोई इन्फेस्टेशन का भी डर नहीं रहेगा, कोई कीड़े वीड़े कुछ नहीं आएंगे। और अगर क्लोज लेते हैं तो मॉस्किटो कोई उसके ऊपर भी नहीं आएंगे लार्वा देने के लिए।
अगर ग्लास में करते हैं तब भी आप कर सकते हैं, मगर पानी चेंज करते रहिए। अब नेक्स्ट लेते हैं, इसको रखेंगे कहाँ? अगर आपने एकदम डार्क प्लेस में रख दिया इसको, तो इसमें रूटिंग बहुत जल्दी नहीं होगी। इसको ब्राइट लाइट चाहिए, तो थोड़ी ब्राइट लाइट में रखें तो बहुत ही अच्छा, इसकी रूटिंग ईजी और अच्छी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी जब आप रूट डिप करें तो बहुत ज़्यादा अंदर तक ना हो, नहीं तो क्या होता है, नोड से इसके निकलते हैं रूट्स, उसके नीचे जो थोड़ा सा पोर्शन होता है वो रॉट होना शुरू होता है और फिर उसके बाद पूरी रॉटिंग शुरू हो जाती है। एक और प्लांट मैं दिखाती हूँ, जैसे ये मैंने ये स्पाइडर प्लांट लिया है। स्पाइडर प्लांट को अगर बहुत ज़्यादा डिप कर देंगे क्राउन को, तो ये क्राउन इसका रॉट कर जाएगा। तो हल्का सा इसकी रूट्स को खाली पानी में डिप रहने दे, बस थोड़ा सा पानी। ये रूट्स जब हो जाए तो इसको ऐसे नहीं कि इसमें छोड़ देते, ग्रो होती चली जाए होती चली जाए, बहुत सारी रूट्स हो जाए। कोशिश करें कि उससे पहले राइट टाइम पे इसको आप पानी में सॉइल में ट्रांसप्लांट कर दें। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका सॉइल कैसे लेंगे आप। सॉइल इसकी बहुत लाइट लेनी है, और मैंने तो 50% सैंड गार्डन सॉइल लिया, 50% इसमें कोकोपीट लिया है, ताकि बहुत हल्की सॉइल रहे और इजीली इसकी जो ये टेंडर रूट्स है, ये देखिए बहुत टेंडर है, तो ये बहुत टेंडर रूट्स इसकी इजीली इसमें ग्रो करनी शुरू कर दे। अगर मिट्टी बहुत हैवी होगी तो क्या होगा, ये रूट्स इसमें थिक रूट्स में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अभी तो इनको आदत है इतने खुले पानी में रहने की, तो अब इसमें हम लोगों ने पॉटिंग सॉइल बहुत लाइट लेनी है, और उसके बाद जैसे एनवायरमेंट में इसको रखा था शेड में, कुछ दिन इसको भी शेड में रहने देना है, और फिर उसके बाद में ये अपने आप रूट्स हैं तो ये पानी वानी लेना शुरू कर देगा और अपने आप ग्रोथ शुरू हो जाएगी, फिर आप इसको धूप में रख सकते हैं। अब इसको मैं देखते हैं कैसे इसको रूट करेंगे। बस इसको ऐसे करके रूट कर देना है। टैप कर देते हैं, टैप करने से इसमें एयर पॉकेट्स खत्म हो जाएंगी। अब इस प्लांट की पॉटिंग हो गई है, अब इसमें थोड़ा सा पानी में फंगीसाइड मिला के, फंगीसाइड लगाने से इसकी रूट्स में रॉटिंग का खतरा खत्म हो जाता है, और इसको अच्छे से पानी डाल के, और फिर अब इसको मैं शेड में रख दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पिटिलैंथस का कैसे इसको की रूटिंग वाटर में करके फिर सॉइल में ग्रो करते हैं अच्छा लगा। ये वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।